Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Girls. This is the fourth and last part of weekly current affairs. For current affairs, an important news rained in from 22 March to 28 March. Every Sunday we covers the weekly current affairs, so the important news which has happened in the last week. So we have already covered three, we have already posted three videos for the weekly current affairs. This is the fourth and last video. We'll be covering the remaining 10 to 15 news which are left. And let's begin with the video. Our first news is the first country to host new format of IIBA Team World Cup 2020. जो IIBA Association of Boxing इसका full form है, तो उसका जो World Cup है, new format के हिसाब से पहला जो World Cup है, जो Boxing Federation है, जो Association of Boxing. उसका जो नए फॉर्मेट के हिसाब से पहले बार जो वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ये हमको ध्यान रखना है, दैट इज रशिया. तो वर्ल्ड कप 2020 तो फर्स्ट कंट्री टू होस्ट इज रशिया. ओके, तो वो हमको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप फॉर द ईयर 2021 कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है. इंडिया होस्ट कर रही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा. ओके, which country is going to host men's hockey junior world cup, ठीक है, for the year 2021 India is going to host. And similarly on the same lines, women's world cup junior, this women's hockey junior world cup 2020 will be hosted by South Africa. तो India men's का junior world cup hockey का India host कर रही है और South Africa women's का host कर रही है. Next is 54th बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप, जो 54th एडिशन का बॉम्बे गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप जो है वो इंडियन नेवी ने जीता है. तो इंडियन नेवी ने जीता है. इस यहां से रिलेटेड हमको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि एडमायरल करमबीर सिंह जो है वो इंडियन नेवी के चीफ है, ठीक है, एडमायरल करमवीर सिंह. तो 54 बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप इंडियन नेवी ने जीता है और करमवीर सिंह चीफ है. वैसे ही कौन सी कंट्री ने इंडियन टूरिस्ट की जो फ्री एंट्री अब तक वो प्रोवाइड करता था, फ्री एंट्री थी, वो बंद कर दी है. तो भूटान हैज स्टॉप्ड द फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट, ठीक है, स्टॉप्ड. नेक्स्ट न्यूज इज नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने रमशद एआर इनको बैन किया है फॉर 2 इयर्स, ठीक है. नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज ने जो एजेंसी है वैसे उनको रमशद एआर ने बैन किया है, ठीक है. वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, तो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. तो रमशद एआर जिनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन किया है वो वेट लिफ्टिंग से. इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुनील शेट्टी. वैसे ही ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो इंडिया की है वैसे ही वर्ल्ड की है, जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा 9th डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर का है. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में. सिर्फ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में. उसका 9th डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का जो इवेंट था वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ रिसेंटली. वैसे ही जो विफी है, विफी 2019, ये इकोनॉमिक, इन्होंने एक इंडेक्स पब्लिश किया है, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये विफी 2019 ये इंडेक्स पब्लिश किया है, उसमें फिनलैंड ने टॉप किया है. नेक्स्ट इज यूएई, ये पहली अरब कंट्री है जिसने लाइसेंस अप्रूव किया है टू ऑपरेट अ रिएक्टर एट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है. यूएई, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पहली अरब कंट्री है जिन्होंने लाइसेंस अप्रूव किया है टू ऑपरेट अ रिएक्टर एट न्यूक्लियर पावर प्लांट.
नेक्स्ट न्यूज इज 13th एशियन बिजनेस एंड सोशल इन्वेस्टर फोरम 2019-20 ये बैंकॉक थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था. 13th एशियन बिजनेस एंड सोशल इन्वेस्टर फोरम, एशियन बिजनेस एंड इन्वेस्टर फोरम, सोशल इन्वेस्टर फोरम 2019-20 ये बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ. वैसे ही जो यूएन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, उसको टॉप किया है फिनलैंड ने और इंडिया का रैंक उसमें 144th है. ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है? रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. किसने पब्लिश की है? यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया है. टॉप किसने किया? फिनलैंड ने टॉप किया है और इंडिया का रैंक क्या है? 144th रैंक है. वैसे ही जो सिडबी है, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसने स्वावलंबन एक्सप्रेस स्टार्ट की है जिसमें वो 15 days जो एंटरप्रेन्योर्स है, ओके, नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक जर्नी अरेंज करेंगे. दिस इज द नेम ऑफ द ट्रेन, स्वावलंबन एक्सप्रेस. 15 days पूरी जर्नी अक्रॉस इंडिया कराएंगे. तो स्वावलंबन एक्सप्रेस वो ट्रेन का नाम है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्ट हुआ है. 15 days टूर है एंड अक्रॉस इंडिया. एंड कौन सा बैंक ने स्टार्ट किया है? सिडबी ने स्टार्ट किया है. तो दीज वर द इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ वीकली करंट अफेयर्स जो हम लोग संडे को कवर करते हैं. प्रीवियसली वी हैव पोस्टेड 3 videos. द लिंक ऑफ द हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द प्रीवियस 3 videos. You can also go and check them at the Banking Goals YouTube channel, where Banking Goals 2020 ये playlist में ये सारे videos post किए गए हैं. So thank you so much for watching, guys. Do like my video, subscribe my channel, press the bell icon for regular notification, share it with your friends and family, and stay at home and be safe. Thank you.